मां काल का गुणवन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो ये मंगल का गोचर बहुत सोच समझना होगा, क्योंकि आसान मंगल का गोचर नहीं है। इस दौरान बकरी भी होंगे, फिर मार्गी होंगे और खूब उथल पुथल कर्क राशि में मचाएंगे। कर्क राशि कहीं ना कहीं जल तत्व की राशि, वो खुद अग्नि तत्व के ग्रह, तो कोई मैच नहीं है। इस वजह से ही दिखते दिखती हैं थोड़ी सी। क्या दिखते दिखती हैं भाई? मंगल के एरियाज होंगे, तमाम जगह युद्ध भड़क सकते हैं, युद्ध की विभीषिका और गहरी होती जाएगी। जो इसराइल में चल रहा है, जो रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, वो बढ़ेगा और इस दौरान काफी हद तक चीजें उसी तरह से दिखेंगी। और 2025 जो है मंगल का साल है और उस दौरान भी ये नीच के ही रह रहे हैं, तो भाई निश्चित तौर पर अगले साल की शुरुआत भी विध्वंसकारी दिखती है। तो इसलिए ये राशिफल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर राशि का एक महा उपाय भी जरूर बताएंगे इसमें डिटेल में। तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इस मंगल के गोचर तो आपको अपने घर वालों के साथ से लेकर सबको शेयर करना है। व्हाट्सएप पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, और मुझसे कंसल्टेशन लेना है नीचे लिखे नंबर पर ले सकते हैं। सबसे पहले बात मेष लग्न मेष राशि वालों की। आपका लग्न और अष्टम के स्वामी चौथे भाव में नीच के होंगे, स्थिति अच्छी नहीं है। उपाय उसका जरूर बताएंगे, जरूर ध्यान सुनिएगा लास्ट में। तो सबसे पहले बात, करियर व्यापार में उथल पुथल मचेगी, मन नहीं लगेगा, माता के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, धन रुपया पैसे की दिक्कत आएगी, आसानी से पैसा रुकेगा नहीं, घर गाड़ी बंगला फंस सकता है, पैतृक संपत्ति फंस सकती है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। तो भाई आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने पैसे का बड़ा ख्याल रखना होगा। मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि होती है, तो चौथे भाव से सप्तम भाव में विवाह में उथल पुथल मचेगी, विवाह में अनबन की स्थिति, अलगाव तक की स्थिति देखी जाएगी। आठवीं दृष्टि ग्यारहवें भाव पे होगी तो धन बढ़ाएगी, तो धन लाभ के संकेत है, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, लेकिन घरेलू सकते रहेंगी, माता के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस डोल सकता है और कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा में भी उठापटक देखी जा रही है। क्या उपाय करें? मंगलवार को जाके हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बटवा दीजिए, ये एक उपाय करिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। तो निश्चित तौर पर मंगल कहीं ना कहीं आपका मंगल करें, क्योंकि तृतीय भाव में नीच के होंगे, आपकी कुंडली में मार्केश भी है, बारहवें के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम में क्षय होगा, पराक्रम घटेगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, भाई बहनों से नहीं बनेगी, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, आपकी संपत्ति कोई हड़प सकता है, पैसे रुपये में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। उसी के साथ साथ हालांकि पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, नौकरी में कोई गुड न्यूज मिलेगी और विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश में कोई मामला फंसा था वो भी निकल सकता है, वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर शत्रु पक्ष खत्म होगा, अधिकारी बेहतर होगा, लेकिन कर्ज बढ़ सकता है, रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ सकता है, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, उसका ख्याल रखना होगा। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं साहस पराक्रम के कारक हैं, तो आपको बहुत ही कदम फूक फूक के रखना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। क्या उपाय करें भाई? हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार के दिन चढ़ाइएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों, द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं ये गोचर हो रहा है, ग्यारहवें के स्वामी है, छठे के स्वामी है, तो गोचर तो ठीक है, क्योंकि लेकिन मिथुन लग्न में बहुत फलदायी होता भी नहीं है मंगल, लेकिन जो द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है तो वाणी पे कंट्रोल करिएगा, वाणी की वजह से नुकसान होगा, वाद विवाद बढ़ेगा, वाणी की वजह से बहुत दुश्मन बना लेंगे अपने लाइफ में, वाणी की वजह से ही अच्छा खासा काम बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे, धन की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन संतान की स्थिति अच्छी होगी, प्रेम विवाह के चांसेस बनते नजर आते हैं, शेयर मार्केट में लाभ होगा, भूमि भवन में भी लाभ हो सकता है अगर खरीदेंगे, लेकिन बेचने की सलाह इस दौरान नहीं दी जाती है। द्वितीय भाव से अष्टम को देखेंगे, ससुराल पक्ष हावी रहेगा, वो आपको परेशान कर सकता है, पुलिस कोर्ट कचहरी में फंस सकते हैं, गाड़ी ध्यान से चलानी होगी, किसी भी वाद विवाद में फंसेंगे तो नुकसान आपका होगा। हालांकि भाग्य पक्ष आपका साथ देता दिखता है, तो इसलिए नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। क्या करें भाई? हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, आपके लिए भाग्य कारक ग्रह है ये, आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि दशम भाव में मेष राशि उदय होती है और पंचम के भी स्वामी है। लग्न में नीच के, कॉन्फिडेंस की कमी, उतार चढ़ाव जीवन में, शराब सिगरेट एडिक्शन में जितना इन्वॉल्व होंगे उतना नुकसान होगा, इनसे दूर रहिएगा, नहीं तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, रुपये पैसे की स्थिति भी डावाडोल रहेगी, घर गाड़ी बंगला नहीं खरीदना है, पैतृक संपत्ति नहीं बेचनी है और खासतौर से इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है,
विवाह में संबंध विच्छेद की संभावनाएं बनी रहेंगी, प्रेम प्रसंग में अलगाव की स्थिति बनी रहेगी। घर गाड़ी बंगले का ध्यान रखना है, घर गाड़ी बंगले इस समय नुकसान हो सकता है, वहां कोई घर में थोड़ी बहुत चोरी वगैरह भी हो सकती है, ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी और खास तौर से पुलिस कोर्ट कचहरी या कोई पुराना मसले में ना फंसे तो बेहतर रहेगा। क्या करें भाई, मसूर की दाल का दान करें मंगलवार के दिन। अब बात करते हैं सिंह लग्न सिंह राशि वालों की। भाग्यश है आपका तो 12वें में नीच का होगा, विदेश से लाभ मिलेगा लेकिन हाई बीपी परेशान करेगा, खर्च बढ़ेंगे, रुपये पैसे की आवक में कमी आएगी और खास तौर से गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, रोग पुराने उभर के आ सकते हैं। हालांकि शत्रु पक्ष धराशायी होगा, अधिकारियों से लाभ मिलेगा और विदेशों से भी लाभ मिलेगा। खास तौर से खर्चों पर अगर कंट्रोल कर गए तो जीवन बेहतर होगा। इस दौरान भाई बहनों से विवाद में नहीं पड़ना है, पड़ोसियों से विवाद में नहीं पड़ना है, पराक्रम का बखान नहीं करना है अपने, और खास तौर से शत्रुओं पर पैनी नजर रखनी है, वो नहीं तो हार दे सकते हैं आपको। उसी के साथ साथ विवाह की चीजों पे टालने की कोशिश करिएगा, समझदारी से हल निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पे उठा पटक देखी जा रही है जिसकी वजह से जीवन में भी उठा पटक रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की, तो लाल मिर्च का दान मंगलवार के दिन लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। 11वें भाव में गोचर, रुपया पैसा तेजी से आएगा, आसानी से पैसा बढ़ेगा, साम दाम दंद भेंट पैसा कमाएंगे, नंबर 2 का पैसा भी इस दौरान बढ़ेगा, उस पर बस ख्याल रखना होगा, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। भाई बहनों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, पैरों में कोई चोट आ सकती है, पैरों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, पैरों में दर्द रह सकता है, हाई बीपी हड्डी की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा में आंचना है उसका भी ख्याल रखना है, और आपका कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है उसके लिए जो उपाय बताएं वो करते रहिएगा। क्या उपाय करना है भाई आपको, सिंदूर या चोला मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। द्वितीय सप्तम के स्वामी हैं, दशम में नीच के रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अपने करियर में हर चीज़ ध्यान से करनी होगी, और उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में आसानी से चीज़ें चलती रहें तो उसके लिए उपाय करते रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दशम भाव में है। नौकरी व्यापार में हालांकि खास तौर से 15 नवंबर के बाद तरक्की होना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उस समय पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, करियर में लाभ हो सकता है और खास तौर से कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, संतान से लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट में खासा लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें, ओम भौमाह नमः या ओम अंगारकाह नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। लग्नेश नवम में नीच के हैं, मोदी जी के भी हैं, लग्न में नीच के हैं, वहां पे चंद्रमा, तो उसी तरह का कॉम्बिनेशन है। जब पंचम नवम का जब एक्सचेंज होता है या फिर वहां पे नीच के हो जाते हैं तो बहुत नुकसान नहीं करते हैं। मोदी जी के उल्टा है, तो यहां उल्टा हो रहा है कि मंगल नीच के हैं, उनके मंगल उच्च के हैं अपने घर के हैं लेकिन चंद्र नीच का है, तो जब नवम में नीच के होते हैं तो नुकसान नहीं करते हैं, बहुत भाग्य को स्लो बढ़ाते हैं बस। अगर आप भाई बहनों का माता पिता का सम्मान करते हैं तो जबरदस्त लाभ होता है, विदेशों से लाभ मिलता है, व्यापार में लाभ मिलता है, नौकरी में जबरदस्त तरक्की होती है, रुपया पैसा बढ़ता है, उसी के साथ साथ खास तौर से भाई बहनों से लाभ होता है, भाई बहनों की चीज़ें बेहतर होती हैं, भाई बहनों के साथ जीवन बेहतर होता है, उसी के साथ साथ विदेशों में अगर बसने की कोशिश कर रहे हैं तो पूर्ण होती है। खास तौर से पूजा पाठ का पाठ करिएगा, जीवन बेहतर रहेगा। क्या करें, खास तौर से आपको ओम अंगारकाय नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। अष्टम भाव में नीच का, गाड़ी ध्यान से चलानी है, चोट चपेट से बचना है, घर में चोरी होने का डर बना रहेगा, उसी के साथ साथ कोई लोग झूठा आरोप लगा सकते हैं, बचना है, नौकरी व्यापार में लोग परेशान करेंगे, बचना है, उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगले का सपना नहीं देखना अगले 3 महीने तक, उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष विवाह में समस्याएं आएंगी, ध्यान देना होगा, मन कहीं एक जगह फोकस नहीं होगा, करना होगा, नौकरी में मन नहीं लगेगा, दिक्कतें आ सकती हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ साथ जब इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे भी क्योंकि ये हो रही होगी तो खास तौर से धन तो बढ़ाएंगे लेकिन आपके पराक्रम की वजह से, आपके कर्म की वजह से, जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। भाई बहनों से झगड़ों में नहीं फंसना है, गाय को मीठी रोटी मंगलवार के दिन खिला देनी है। बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। मकर लग्न मकर राशि सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, विवाह में दिक्कतें, व्यापार में दिक्कतें, विवाह में अलगाव की स्थिति, नौकरी में दिक्कतें, प्रेम प्रसंग में दिक्कतें, उसी के साथ साथ पति पत्नी के बीच क्लेश पड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, जनता के बीच जो लोग जनता से जुड़े हैं वहां दिक्कतें आ सकती हैं। खास तौर से आप लोग को अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब रहेंगी।
मीठी तंदूर की रोटी दान करें तो लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। छठे भाव पे नीच का मंगल, शत्रु हावी रहेंगे, अधिकारी सपोर्ट करेंगे, कर्ज पड़ेगा लेकिन एक कर्ज चुकेगा भी, इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, स्ट्रेस की वजह से परेशान भी रहेंगे, तो ध्यान देना होगा। चांदी की चकोर डिब्बी में शहद भरकर रखें अपनी तिजोरी में तो लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। पंचम भाव में ये गोचर है तो खास तौर से इस दौरान आपको शेयर मार्केट में संभल के खेलना होगा। उच्च शिक्षा जो लोग जान की प्रयास कर रहे हैं उनको ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में तरक्की के योग दिखते हैं, खास तौर से देखा जाए अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, उसी के साथ साथ विदेशों से लाभ होगा।